तो भाई अराउंड एक साल हो गया मुझे PS5 परचेज किए, एक साल से ऊपर ही हो गया होगा आई गेस। और आप लोगों को पता है कि मैंने PlayStation 5 डिस्क वाला वर्जन खरीदा है, रीजन आपके सामने है। तो भाई PlayStation 5 गेम कलेक्शन का बहुत शौक है और हमने आज तक इतनी सारी गेम्स इकट्ठा कर रखी हैं, तो ये वाले वीडियो में आपको पता चली गया होगा कि हम अपनी गेम्स को एक एक करके आपको बताने वाले हैं कि ये गेम कितने की पड़ी और क्या वर्थ रही मेरे लिए या नहीं, और क्या आपको परचेज करना चाहिए ये वाली गेम आज के टाइम में या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यार एक और बात बता दूं, ये पूरी 14 गेम डिस्क हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैंने परचेज किया होगा तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहा होगा, कई कई गेम मैंने लॉन्च डे पे परचेज की हैं तो प्राइस ज़्यादा रहा होगा, आज के टाइम के हिसाब से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। और यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई आप में से 98% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो मेरी वीडियोज़ देखते हो सिर्फ 2% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, लिटरली दिल से बुरा लगता है भाई। तो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छे अच्छे ला रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हार्ट जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दोगे तो हम भी थोड़े मोटिवेटेड रहेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ना सबसे लेटेस्ट गेम से, जो सबसे लेटेस्ट गेम लॉन्च हुई है उससे स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहली गेम है हमारे पास स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर। तो स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर आपको पता है अभी अभी लॉन्च हुई गेम है, तो हमने इसको उसी दिन खरीद लिया क्योंकि इसका स्टार वॉर्स जेडाई फॉल इन ऑर्डर मैंने खेल रखा है, तो वो गेम बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और पुरानी वाली गेम 699 में मैंने परचेस की थी, और ये जो नई वाली गेम है ये भाई साहब 4500 रुपये ऑन MRPI, तो इसे 4500 रुपये प्लस 100-200 रुपये डिस्काउंट ऑफलाइन डिस्क में मिल जाता है, तो समझ सकते हो कि 4200-300 की ये मुझे गेम पड़ी। अब ये गेम के बारे में बताऊं तो ये गेम ऑब्वियसली स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर का सीक्वल है। ये गेम का मूवमेंट वगैरह उतना खास मुझे नहीं लगा, मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, चाहो तो फुल रिव्यू और गेम प्ले वगैरह उसका देख सकते हो वहाँ पे जाके। बट अगर आप इसे अभी परचेस करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसे परचेस करो, आप इसकी पुरानी वाली जो गेम है स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर उसे खेल सकते हो, उसके बाद इसे खेलना जब इसका थोड़ा प्राइस और कम हो जाए तब, क्योंकि अभी स्टूडियो इस गेम पे काम कर रहा है, गेम में काफ़ी सारे बग्स वगैरह फेस किए जा रहे हैं, तो इस वजह से अभी मैं इसको नहीं रिकमेंड करूँगी आप इसे परचेस करो। एंड उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट रिसेंट गेम जो मैंने परचेस की है वो है रेसिडेंट इविल 4। भाई ये बेस्ट रेसिडेंट इविल गेम एवर कही जा रही है, और मुझे भी खेलने के बाद इसे ऐसा ही लगा। तो ये रेसिडेंट इविल 4 रीमेक है, मतलब जो हमारी रेसिडेंट इविल 4 पुरानी वाली है उसी स्टोरी पे ये नई गेम बनाई है, और ट्रस्ट मी गाइस इसका गेम प्ले वगैरह बिल्कुल बदल गया है और काफी सारे मिशन हटा दिए गए हैं जो अननेसेसरी मिशन है। मेरे को ये गेम पर्सनली काफी अच्छी लगी, और अगर आप लोगों ने इस गेम को ऑलरेडी खेल रखा है तो आप लोग बताओ रेसिडेंट इविल 4 आप लोगों को कैसी लगी, वन ऑफ द बेस्ट रेसिडेंट इविल गेम मुझे लगी ये। और हाँ अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो बिल्कुल भाई इसे परचेस कर सकते हो, और गेम प्ले टाइम इसका अराउंड रहने वाला है 12 से 16 घंटे, डिपेंड्स अपॉन आप कैसे खेल रहे हो, कौन सी डिफिकल्टी पे खेल रहे हो। तो ये भी गेम मैंने फर्स्ट डे परचेस की थी, इसका भी प्राइस अराउंड 4500 के आसपास में था, अभी के टाइम में आपको ये 3500 के आसपास में मिल जाएगी, तो हाँ ये गेम रिकमेंडेड है, इसे भी खरीद सकते हो। एंड नेक्स्ट मोस्ट रिसेंट गेम मैंने परचेस की थी हॉगवर्ट्स लेगेसी। अब हॉगवर्ट्स लेगेसी जो गेम है ना, आपको पता है कि हैरी पॉटर बेस्ड गेम है ये, मतलब हैरी पॉटर मूवीज आपने देखी होगी उसी थीम पे ये गेम है। हॉगवर्ट्स की एक स्टोरी है जो कि हैरी पॉटर से 200 साल पहले की स्टोरी है, और ये भी गेम मैंने कंप्लीट कर रखी है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो पावर और ऑडियंस होल्ड करती है ये गेम, उस हिसाब से वर्थ नहीं लगी मुझे यार, क्योंकि हॉगवर्ट्स लेगेसी और हैरी पॉटर ऐसी फ्रेंचाइज है ना कि बहुत अच्छी अच्छी बहुत तगड़ी तगड़ी स्टोरी है। स्टोरी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, बहुत कॉमन सी बेसिक स्टोरी है, लेकिन गेम प्ले वगैरह थोड़ा डिफरेंट लगा, थोड़ा यूनिक लगा, एक मैजिकल गेम मुझे अच्छी लगी उस हिसाब से। बट गेम प्ले फुल कंप्लीट करने के बाद गेम मुझे ऐसा फील हुआ कि यार वर्थ नहीं लगा। तो अगर ये गेम थोड़े डिस्काउंट में आती है तब इसे खेल के जरूर ट्राई कर सकते हो, बीच बीच में गेम थोड़ी बोरिंग लगती है तो वहां पे अगर आप छोड़ के हट जाते हो तो फिर गेम से इंटरेस्ट ही हट जाता है, क्योंकि स्टोरी उतनी इंगेजिंग नहीं है। बट गेम प्ले अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो गेम को जरूर कंप्लीट कर लेना, तो गेम अगर डिस्काउंट में है तो इसे भी परचेस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मोस्ट रिसेंट गेम मैंने परचेस की थी डेड स्पेस रीमेक। अब ये डेड स्पेस भी एक रीमेक गेम है पुरानी वाली डेड स्पेस का, ऑलरेडी डेड स्पेस के शायद 3 पार्ट आ चुके हैं, ये पहले पार्ट का रीमेक है। अब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेड स्पेस का रीमेक बनाया है, इसी से मिलती जुलती एक गेम है कैलिस्ट्रो प्रोटोकॉल। अगर आपने कैलिस्ट्रो प्रोटोकॉल खेला है तो वैसी ही ये गेम है कैलिस्ट्रो प्रोटोकॉल, खैर इसका फर्स्ट कॉपी कही जाएगी। तो मैंने ओरिजिनल गेम डेड स्पेस परचेस किया कैलिस्ट्रो प्रोटोकॉल छोड़ के, तो डेड स्पेस भी बहुत अच्छी गेम है, 100% रिकमेंडेड गेम है, इसे भी खेल सकते हो, हॉरर गेम है, मजा आएगा आपको खेलने में, और अभी आपको अराउंड 3000-3500 रुपए के आसपास में पड़नी चाहिए, शायद डिस्काउंट पे भी आई थी PlayStation स्टोर पे, तो इसे भी आप खरीद सकते हो, ये भी रिकमेंडेड गेम है। एंड भाई इससे पहले जो मोस्ट रिसेंट गेम मैंने परचेस की थी वो थी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। रॉप क्यों बोल रहा हूं मैं? तो इससे पहले जो मोस्ट रिसेंट गेम हमने परचेस की थी वो थी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक।
अब इस गेम को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे बताने की जरूरत है कि खरीदना चाहिए कि नहीं। आप लोग खुद ही जानते हो भाई, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक ऐसी गेम थी जिसे 10 आउट ऑफ 10 दिया गया था, रेजिडेंट इविल भी है। तो ये गेम तो भाई बिल्कुल ही खेलो। उम्मीद है आप लोगों ने गॉड ऑफ वॉर का 2018 वाला पार्ट खेल ही लिया होगा, और मुझे तो लग रहा है आप सभी लोगों ने ये भी खेल ही लिया होगा। तो यार 110% गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक रिकमेंडेड है। बहुत से दोस्तों ने मेरे 100% इस गेम को कंप्लीट कर दिया, मतलब सारे साइड मिशंस एंड ऑल। आप लोगों में से कितने लोगों ने 100% गेम को कंप्लीट कर दिया गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, कमेंट करके जरूर बताना। और कौन सी ट्रॉफी सबसे डिफिकल्ट लगी थी, तो ये भी बिल्कुल खरीद सकते हो भाई। तो इस पे अभी भी डिस्काउंट वगैरह नहीं है, लेकिन डेमो में शायद अवेलेबल है प्लेस्टेशन डिलक्स वाले पे। आप लोग परचेस करना चाहते हो अभी के टाइम में तो बिल्कुल परचेस कर सकते हो। ये हमारे पास लॉन्च एडिशन है, हमने इसका लॉन्च इवेंट भी कवर किया था, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। एंड इससे पहले की गेम हमने परचेस की थी स्नाइपर इलीट 5। अब स्नाइपर इलीट 5 भी एक बहुत अच्छी गेम है। आपको पता है स्नाइपर इलीट की पूरी सीरीज चली है अभी तक, स्नाइपर इलीट 4 बहुत पॉपुलर रही है गेम, तो स्नाइपर इलीट 5 भी काफी अच्छी खासी चली। मैंने इस गेम को अभी तक कंप्लीट नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास काफी सारे गेम थे खेलने के लिए। तो ये गेम एक बहुत अच्छी गेम है, आपको थोड़ा सा कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप सा फील आता है, बट ये थर्ड पर्सन में रहता है और कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ऑल फर्स्ट पर्सन में रहता है, तो थोड़ा सा कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप फील लेना है थर्ड पर्सन में, तो ये गेम को भी खेल सकते हो। ये भी गेम रिकमेंडेड है अभी के टाइम पे, ये भी शायद आपको 2000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। तो हाँ, इस गेम को भी आप परचेस कर सकते हो अगर आपको वॉर गेम वगैरह खेलना पसंद है तो। और हाँ, अगर ऑब्वियसली स्नाइपर के फैन हो, स्नाइपर चलाने के फैन हो, तो इस गेम को तो जरूरी खेल। मोस्ट ऑफ द मिशन इस गेम में स्नाइपर से करने होते हैं, और आपको स्नाइपर चलाने में ही इस गेम में मजा आता है। तो उस हिसाब से अगर आप एक स्नाइपर वाले फैन हो, स्नाइपर चलाने में मजा आता है, तो जरूर से इस गेम को खेलना। एंड इससे पहले कि हमने गेम परचेस की थी डाइंग लाइट 2। अब डाइंग लाइट 2 भी एक अच्छी गेम लगी थी मुझे, उस हिसाब से देखा जाए तो एक। अब डाइंग लाइट 2 मैंने तब खरीदी थी जब प्लेसन 5 में कोई खास गेम नहीं आ रही थी, तो डाइंग लाइट 2 ही आई थी, उस हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगी थी गेम। ये भी अगर 1000-1500 के आसपास में आपको मिल रही है तो खरीद सकते हो। इसका पहला पार्ट जरूर खेल लेना, पहला पार्ट भी काफी अच्छा, अभी तो 300-400 रुपए में मिल जाएगा। आई गेस ये प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा पे भी आ गया, गेम कैटलॉग में एड हो गया। अगर नहीं हुआ तो भी 200-300 रुपए में इसका पहला पार्ट मिल जाएगा, उसे खेल सकते हो। और डाइंग लाइट 2 के लिए भी जा सकते हो 1000-1500 में मिल जाए तो। एंड इससे पहले जो हमने गेम परचेस की थी वो थी रेसिडेंट इविल विलेज का गोल्ड एडिशन। जी हां गाइस, ये गोल्ड एडिशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गोल्ड एडिशन में एक एक्स्ट्रा डीएलसी है जो कि है शैडो ऑफ रोज, और इसमें आपको थर्ड पर्सन मोड मिलता है। भाई पूरी गेम को आप थर्ड पर्सन में खेल सकते हो, मतलब फर्स्ट पर्सन में ये गेम पूरी सेटअप की गई है, नॉर्मल जो है रेसिडेंट इविल विलेज, और इन्होंने जो गोल्ड वाली डीएलसी निकाली ना, उस डीएलसी से पूरी गेम थर्ड पर्सन में आप खेल सकते हो। और मैंने इसे थर्ड पर्सन में भी खेला, फर्स्ट पर्सन में भी खेला, और मुझे थर्ड पर्सन में ज्यादा मजा आया क्योंकि मैं रेजिडेंट इविल 4 का काफी फैन हूं जो कि थर्ड पर्सन की गेम है। तो रेजिडेंट इविल विलेज तो जरूर खेलना यार, 4 के बाद 7 है एक अच्छी गेम, और उसके बाद रेजिडेंट इविल विलेज भी काफी अच्छी गेम और बहुत चली थी, और इसको खेलने में बहुत मजा आने वाला है आपको, जरूर खेलना रेजिडेंट इविल विलेज। ये ऐसी गेम है जो कलेक्शन में भी रहनी चाहिए और 100% रिकमेंडेड है ये भी भाई। आज के डेट में शायद 2000 या 2500 के अंदर में आपको इसका गोल्ड एडिशन मिल जाएगा, तो गोल्ड एडिशन ही लेना क्योंकि उसमें एक डीएलसी मिलेगी और ऑब्वियसली आपको थर्ड पर्सन मिलेगा। एंड इसके पहले की एक गेम मैंने परचेस की थी जो थी घोस्ट वायर टोक्यो। अब घोस्ट वायर टोक्यो अभी के टाइम में गेम कैटलॉग में ऐड हो गई है, मतलब अगर आपके पास पीएस प्लस एक्स्ट्रा की मेंबरशिप है तो इस गेम को आप फ्री में खेल सकते हो। तो इसे खरीदने की जरूरत तो है नहीं, आप सीधा सीधा मेंबरशिप लेके इसे खरीदना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस गेम से काफी अच्छा लगा, थोड़ी यूनिक सी गेम है, टोक्यो में सेटअप की गई है, थोड़ा सा जापानीज टाइप की गेम है, थोड़ी सी मैजिकल पावर भी है इसमें, और कहीं कहीं गेम अपना पेस लूज कर जाती है, इस वजह से मैंने इस गेम को भी बीच में छोड़ रखा है, बाकी और अदर्स गेम में खेल रहा हूं जो मुझे ज्यादा एक्साइट करती है। तो ये भी गेम अच्छी है, अभी के टाइम में आपको एक्स्ट्रा में फ्री मिल रही है तो इसे भी खेल सकते हो, बट अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। एंड इससे पहले की गेम हमने परचेस किया था घोस्ट ऑफ सुसीमा डायरेक्टर्स कट। डायरेक्टर्स कट ये इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट है, और ये गेम भी भाई रिकमेंडेड है, इसे भी आप खेल सकते हो, और ये भी अभी प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा गेम कैटलॉग में एडेड है, तो इस पे भी अलग से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टर्स कट है। तो डायरेक्टर्स कट में ऐसा कुछ खास अलग से नहीं दे दिया गया कि आप अलग से डायरेक्टर्स कट खरीदो। हाँ, घोस्ट ऑफ सुसीमा जो नॉर्मली अभी है हमारे प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा पे, उसे ही खेलो, गेम रिकमेंडेड है, अच्छी गेम है, मजा आने वाला है आपको। अब इससे पहले की गेम जो मैंने परचेस की थी वो थी फार क्राई 6। अब फार क्राई 6 आप लोगों को पता होगा कि काफी पॉपुलर गेम हो गई फार क्राई पूरी फ्रेंचाइज में, और फार क्राई 3 सबसे हिट गेम थी फार क्राई पूरे सीरीज की, उसके बाद फार क्राई 6 हुई क्योंकि ये फार क्राई 3 के थोड़े सिमिलर है, और गेम मुझे भी लिटरली अच्छी लगी। गेम फर्स्ट पर्सन में सेटअप की गई है, मिशंस वगैरह थोड़े इंगेजिंग है, और थोड़ा सा बैडास टाइप फील आता है आपको ये गेम खेलने में, तो ये भी गेम रिकमेंडेड है। ओपन वर्ल्ड में एक अच्छी खासी गेम है, ये भी अराउंड 1500-1000 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन खरीदोगे तो शायद 1000 में है, तो 1000 से 1500 के बीच में इस पे स्पेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और उससे पहले की गेम जो मैंने परचेज की थी वो थी गॉडफॉल। अब आप लोगों से बहुत लोगों ने गॉडफॉल का नाम भी नहीं सुना होगा, और ये मुझे बहुत अंडररेटेड गेम लगी यार, और बहुत से लोगों के पास ये गेम फ्री में पड़ी होगी पीएस प्लस पे जो इसका चैलेंजर एडिशन आया था, बट चैलेंजर एडिशन में ना कोई कटसीन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, बस गेम प्ले है।
ये कैसा गेम फ्री में देना हुआ भाई, मैं तो इससे बिल्कुल ही नाखुश था कि इन्होंने गेम फ्री में दिया बट कोई स्टोरी नहीं, ऐसे तो मजा ही नहीं आता गेम खेलने में। बट गॉडफॉल का गेम प्ले मुझे सिमिलर लगा गॉड ऑफ वॉर के, इसलिए मैंने ये गेम परचेस की। ऑफलाइन मार्केट में जाके इस गेम को मैंने परचेस किया, सेकंड हैंड में मैंने इसे परचेस किया और इस गेम को मैंने खेला। लिटरली मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ इस गेम को खेल के और खरीद के, और ये गेम की डिस्क मिलना बहुत मुश्किल है इसलिए मैंने इसको कलेक्शन में रखा हुआ है। गॉडफॉल आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है, खेलना चाहो तो खेल सकते हो, बट 1500-1500 रुपए ज्यादा नहीं खर्च करने लगे इसके ऊपर। एंड इसे पहले की गेम जो मैंने परचेस की थी जो कि मुझे बहुत सस्ते में मिल गई थी, ये गेम मुझे 800 रुपए में मिल गई थी। कहां से मैंने परचेस किया था मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा जहां से मैं सेकंड हैंड गेम परचेस करता हूं। लिटरली ये गेम मुझे 800 रुपए में मिल गई थी। गेम का नाम है रेम्बो सिक्स सीज एक्सट्रैक्शन। गेम ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है और मुझे अच्छी लगी गेम यार, मैंने थोड़े बहुत मिशन भी की, अच्छी लगी। फिर कुछ ही दिनों बाद ये फ्री में आ गई हमारे पीएस प्लस एक्स्ट्रा पे, तो बेचने का कोई मतलब ही नहीं था, तो मैंने कहा कलेक्शन में पड़ी हुई है, एक डिस्क है, रहने दो भाई। तो ये गेम भी रिकमेंडेड है, आप एक्स्ट्रा पे अगर खेलना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ तो ये गेम को खेल सकते हो, और यूबीसॉफ्ट की गेम है तो बिल्कुल खेल सकते हो यार। और मेरे को ग्राफिक्स एंड गेम प्ले वगैरह ट्रिगर्स वगैरह सपोर्टेड हैं तो उस हिसाब से मेरे को भी ये गेम अच्छी लगी। एक कॉल ऑफ ड्यूटी अल्टरनेटिव लेके चलो तो हाँ ठीक ठाक सी ये गेम भी है। एंड ये गेम तो मैंने पहले ही बीच में परचेज किया था जब ये लॉन्च हुई थी, बट मैं इसको लास्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमारी स्टील बुक है। तो भाई ये स्टील बुक है गॉथम नाइट्स की, ये लॉन्च एडिशन है, लॉन्च डे पे जिसने परचेस किया था उसको स्टील बुक मिली थी। और गॉथम नाइट्स गेम के बारे में मैं बता दूं तो गॉथम नाइट्स गेम सेटअप है बैटमैन की डेथ के बाद, तो हमारे जिसमें प्लेइंग कैरेक्टर्स रहने वाले हैं वो है रॉबिन, बैटगर्ल, नाइटविंग और रेडहुड। तो देखो ओवरऑल मैं इस गेम के बारे में बताऊं तो अगर आपने बैटमैन आर्कम नाइट नहीं खेला है तो आप पहले बैटमैन आर्कम नाइट खेलो, वो गेम ज़्यादा अच्छी है इससे कंपेयर करें तो। और ये गेम की पर्सनली बात करूं तो ये गेम मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, ये जस्टिफाई नहीं करती है एक बैटमैन सीरीज को। मेरे हिसाब से ये गेम थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, स्टोरी वगैरह और अच्छी हो सकती थी। इस गेम में आपको सारे कैरेक्टर एक साथ खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, आप एक कैरेक्टर चूज करके एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर से खेल सकते हो, और ऐसा कुछ एंड में भी नहीं कि हाँ सारे एक साथ आके सारे चीजें मिशन वगैरह कर रहे हैं जैसा एवेंजर्स में था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गेम ठीक ठाक सी है, हाँ बैटमैन सीरीज के फैन हो, सारी बैटमैन की गेम खेल रखी है तो इसे भी खेलना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं तो ठीक ठाक सी गेम है। अभी के टाइम में 1500-1500 में मिल जा रही तो खरीद सकते हो, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये भी PlayStation Plus एक्स्ट्रा पे फ्री में आ जाने वाली है। तो भाई इतनी सारी गेम है PlayStation 5 की जो मेरे पास अभी फिजिकल डिस्क में पड़ी हुई है, और इससे भी ज्यादा गेम्स जो मेरे अकाउंट में परचेज हैं सॉफ्ट कॉपी जो है, बट उनको नहीं दिखाने वाला क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा कौन सी गेम परचेज करनी चाहिए कौन सी नहीं। मेरे हिसाब से जो मेरा कलेक्शन है उससे मैं काफी खुश हूं, और ऑब्वियसली जैसे जैसे मेरा कलेक्शन अपडेट होता जाएगा मैं और वीडियोस बनाता जाऊंगा। और इनमें से आपको सिर्फ 3 गेम कोई चूज करना हो तो वो 3 गेम कौन सी चूज करोगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। और गाइस यार आप में से बहुत से लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो भैया। कुछ तरीका है भीख मांगने का? और इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और इनमें से बहुत सी डिस्क पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसे भी चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट।